खबरदार, कोई आगे नहीं पड़ेगा वरना हट्टी पसली एक कर दूंगा। ले जाओ इसे। ससुर तब से कहाँ है ये टोपा? चल 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 उधर चल। इसको पकड़ के रखो, हम वापस आ रहे हैं। क्या बात है संतोष, तुम तो जो आदमी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता ना, वो पति कहलाने के लायक ही नहीं है। मैं नहीं कर रही तुमसे शादी। छोटी सी बात कर, तुम शादी क्यों तोड़ रही हो? इतनी सी बात? आदित्य, मर्द होकर छुपते हो तुम। तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। तो तुम क्या चाहती हो? आदित्य उससे लड़ता? अगर उससे कुछ हो जाता तो? और अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो चलता? हर मर्द का कर्तव्य है कि वो अपनी जान पर खेलकर अपनी वाइफ की रक्षा करेगा। आदित्य उसी में फेल हो गया। उसे कोई हक नहीं है शादी करने का। संतोष, तुम मुझे देखो ना, सब कुछ है मेरे पास और मैं तुमसे कितना प्यार भी करता हूं। तुम ऐसे नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? समाज भी तो यही मानता है ना कि एक मर्द को बहादुर होना चाहिए ताकि अपनी पत्नी की रक्षा कर सके, और एक लड़की को गोरा होना चाहिए ताकि वो अपने पति की शान बढ़ा सके। तुमने भी तो अंबिका को उसके रंग के लिए मना कर दिया था ना, तो फिर संतोष क्या गलत कर रही है? अगर लड़की गोरी ना हो तो शादी के लायक नहीं होती, तो ठीक उसी तरह अगर लड़का डरपोक हो तो शादी के लायक नहीं होता। अंबिका यहाँ, अब बताओ अंबिका का क्या कसूर था? तुम दोनों एक दूसरे से बात करते थे, तुम्हें अंबिका पसंद आने लग गई थी, फिर सिर्फ रंग की वजह से तुमने मना कर दिया। दिल तो तुमने भी तोड़ा इसका आदित्य, और वैसे भी इंसान का रंग कैसा हो ये उसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका बहादुर या डरपोक होना उसके हाथ में है। इस बात को समझो और ये रंग भेद छोड़ दो। चलो आदित्य, मैं तेरी शादी गोरी लड़की से ही करवा कर रहूंगी। चल मारुखी है। चलो आदित्य। लेकिन माँ। आदित्य अभी भी तुम्हें मुझसे नहीं अंबिका से प्यार हुआ है, क्योंकि जो मैसेजेस और चैट्स तुम्हें भेजे थे वो मैंने नहीं अंबिका ने भेजे थे। जिस सोच और जिस फीलिंग से तुम्हें प्यार हुआ है वो अंबिका है। आदित्य, जब वो आदमी अंबिका से उसके रंग को लेकर बदतमीजी कर रहा था तब तुम्हें बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि अब भी तुम्हारे दिल में अंबिका के लिए फीलिंग्स हैं। क्योंकि अब भी तुम्हारे दिल में अंबिका के लिए फीलिंग्स हैं। जिस सोच और जिस फीलिंग से तुम्हें प्यार हुआ है वो अंबिका है। अंबिका है। अंबिका है। मुझे महसूस तो हो ही रहा था कि जो फीलिंग्स और अपनापन मुझे चैट पे दिखाई दे रहा था वो फेस टू फेस मिलने पर क्यों नहीं दिखता था?
अब पता चला क्यों। अंबिका, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, क्या मुझे माफ करके मुझे एक मौका और दोगी? तो शादी करोगी? क्या कर रहे हो आदित्य? हमें गोरी लड़की चाहिए, गोरी। मुझे नहीं चाहिए माँ, मैं अंबिका से प्यार करता हूँ माँ और उसी से शादी करूंगा। शायद इसीलिए आज एक बार फिर मुझे अंबिका से प्यार हो गया। ये सब समाज की सोच थी जिसने मेरे दिमाग को करप्ट करके रखा हुआ था, लेकिन अब मैं अपने फैसले खुद लूंगा। मेरी शादी अंबिका से होगी और आज ही होगी। रिलैक्स एवरीवन, प्लीज रिलैक्स। ये हमारे साथ ही हैं, हम ही ने यहाँ पर प्लान किया था ये छोटा सा नाटक करने के लिए, और ये सब हमारे टीम मेंबर्स हैं। बिल्लू चंपत, हम तो बिना दाढ़ी के भी हैंडसम दिखते हैं, कसम से। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। अब मैं एक एक्टर हूँ और मुझे यहाँ पर नकली मार खाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन थैंक यू मैडम। लगता है आपके जज्बातों से ये केस सॉल्व हो ही गया। यही तो आता है हमें। वैसे अब जज्बातों से जब सोच बदल ही गई है तो उत्तम को भी छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसे घर। जी मैडम सर। यार चड्डी, वैसे बढ़िया हुआ ना कि वो जूस नहीं लड़कों नहीं पिया, नहीं तो संतु जी तो हमारे हाथ से निकल जाती ना यार। देखिए तुम्हें अपनी, जो संतु जी तेरी हो जाती, संतु जी तो सिर्फ मेरी है। अब वैसे भी जमाल घोटे का आइडिया तो मेरा था ना। अबे हाँ, वैसे आइडिया तो तुम्हारा ही था। मैया की सासू मैया, मैडम जीते, ए जीते, जाना जाके चाय बोलना। कुछ कह रहे हैं हम तुमसे, जाना जाके चाय बोलना। पुष्पा जी, संतोष जी को बोलिए बोलने के लिए, गोली की तरफ सुनेगा। संतु, जीते को बोलना चाय मंगाने के लिए, देखना कितनी सुस्ती आ रही है। जीते, जीते प्लीज चाय बोलना और साथ में कुछ चटपटा खाने का भी दिल कर। क्या बोल रही है आप, संतु जी का खाने का मन कर रहा है आपका? चटपटा। कुछ दिनों से ना मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, जी घबराता है ना वैसा। तो अभी कुछ मसालेदार तीखा सा मजा आ जाए खाने के लिए, प्लीज बोलना। संतु जी, संतु जी क्या बोल रही है? संतु जी क्या बोल रही है, मतलब आपको पता भी है हमको कितना ज्यादा दुख हुआ है? संतु जी ना, इतना बेरुखी से तो कोई जमीन से मूली नहीं उखाड़ता जितना बेदर्दी से आप हमारे दिल का अरमान टप से उखाड़ के पट्टे से फेंक दी। चटपटा खाने के लिए बोल रही है और हमसे मंगा रही है, हमसे? संतु जी इतना संग दिल बेरुखी बेदर्दी कब से हो गई संतु जी? ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ, क्या करेंगे उसको, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। बस इतना बता दीजिए, उस सनी चड्डे के साथ शादी कब कर रहे हैं आप? सनी से शादी? हाँ संतु जी,
अब जो चटपटा खाने के लिए मंगा ही रहे तो शादी भी कर ही लीजिए ना। एक मिनट, चटपटा खाना और सनी से शादी, ये दोनों का आपस में? अच्छा चीता इधर आना। पिल्लू जी यहाँ पे आके। हाँ हाँ आइए ना आइए। बोलिए संतोष जी। मेरे हाथ में बंदूक दिया ना, गोली छोड़ा दे। शांत हो जा, रुक जाइए। ऐसी स्थिति में भागना अच्छा नहीं होता। नहीं अच्छा तो तुम ही शांत। ये सारे मर्द ना होते ही एक जैसे कैसे होते? मेरे जैसा चीता हैंडसम कहाँ है? बिल्लो तुम तो चुप ही रहो। शांत पानी। पुष्पा जी लो पियो। तुम पियो। वैसे संतू जी। हाँ। संतू जी आपको इसे भड़का हुआ देखकर ना हमको इसे बड़ा ही संतोष महसूस हुआ। कहे कि हमारा आस जो है ना वो बरकरार रहा है। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब कभी भी आप ऐसे गुस्से में होती है ना तो एकदम स्वप्न सुंदरी, ड्रीम गर्ल, स्वर की अप्सरा, पानी की मरमेड इतनी। समझ गए हम भी अच्छे से समझ गए। हमेशा चटपटा अटपटा नहीं होता, चटपटा कभी कभी चटपटा ही होता है। तो पुष्पा जी बिल्कुल लंबी उम्र है। हमारी क्यों भाई? आपकी नहीं चटपटी की। देखो चटपटी का नाम लिया, चटपटा हाजिर, गोलगप्पे वाला आया है। गोलगप्पे वाला? अम्मा भैया जी कब से मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने के लिए। अब बढ़िया से गोलगप्पे खिलाओ सबको। चलो मैडम जी हम खिलाने नहीं लिखाने आए थे। क्या लिखाने? रिपोर्ट लिखाने आए हैं मैडम जी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि लिखाएं कि ना लिखाएं। खैर छोड़िए हमको नहीं लिखाना है, जा रहे हैं मैडम जी जा रहे हैं। अरे अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप थाने पर आए हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ। एक काम कीजिए आप हमें गोलगप्पे खिलाइए, हम आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। बहुत ही अच्छा है। अब मैडम, भैया yes. एक प्लेट मैडम को भी बना कर दीजिए। इधर आ जाइए मैडम, इधर आइए। और हाँ आपके पास जितना भी तीखा है ना सब डाल दीजिए उसमें, फिर भी उनको कम पड़ेगा। थोड़ा तो सोच के पंगा लिया कीजिए पुष्पा जी, लेने के देने पड़ जाते हैं कभी कभी। क्या कह रही थी घर पे लल्ला को आप कि हमारा आज बहुत पेट दर्द हो रहा है तो आज सारा काम ना भाऊ से करा लो। भेजे निकाले ये वीडियो आपका गोलगप्पा खाते हुए, पता तो चले उनको घर में कितना बड़ा ड्रामा कंपनी खोल के बैठी है आप। हाँ तो पेट का ही तो इलाज कर रहे हैं हम। अच्छा हमारे गांव में जो बैद्य जी थे ना उन्होंने कहा था गोलगप्पे के पानी में ना सौंठ का पानी होता है जो पेट के लिए अच्छा होता है, हल्का कर देता है प्लेट। गोलगप्पा देना मतलब कुछ भी, मतलब काम धाम पे ध्यान नहीं देना लेकिन गोलगप्पा खाने का आपको बहाना ढूंढना है। काम नहीं करना? क्या मैडम कह रहे काम नहीं करना? तुम गोलगप्पा खाओ। हम कह रहे हैं कि काम ही तो कर रहे हैं हम। अच्छा काम कर रही हैं आप? हाँ, इस बेचारे की रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं हम। वैसे बता दे कि ये किसी महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया है और हमने इसे यकीन दिलाया है कि स्थानीय की SHO जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। समझ गए आप? महिला पुलिस अधिकारी फिर चाहे वो कोई भी हो। कोई भी? हाँ कोई भी, कोई भी। ठीक है रिपोर्ट लिखा। भैया गोलगप्पा दो। हाँ भैया। चलिए अब विस्तृत रूप से बताइए आपके साथ कब कहाँ क्या हुआ। मैडम जी वो 3 दिन पहले की बात है,
हम मयूर चौक पे अपना रेडी लगाए थे, वहां पे एक महिला पुलिसकर्मी आई, फिर वो हमारी दुकान पे गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खाने के बाद उन्होंने हमसे वो मांगा क्या मांगा? अरे वो तो सब मांगते हैं, मैं भी मांगता हूँ, पानी पूरी खाने के बाद सूखा पूरी सब मांगते हैं। अरे वो नहीं, उन्होंने हमारी रेडी का लाइसेंस मांगा। जी मैडम जी, मैंने उनसे कहा कि हम अपनी दुकान का सारा सामान अपने सर पर लेकर ही चलते हैं, कोई स्थायी जगह पे धंधा भी तो नहीं लगाते हैं, जहाँ जिसने रोका वहाँ गोलगप्पे खिला दिए, उसके लिए लाइसेंस कहाँ से ले आऊँ मैडम जी? वो महिला अफसर मान ही नहीं रही, उन्होंने कहा कि इस तरह धंधा करना गैर कानूनी है और इसके लिए तुम्हें 2 साल की सजा हो सकती है। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े मैडम, उन्होंने मुझ पे दया खा के बोला कि तूने तो मुझे जज्बाती कर दिया रे। फिर उन्होंने बोला कि तू 2000 रुपए दे दे, हम तेरा लाइसेंस बनवा देते हैं। अमा तुम टोपा होगा, तुमको मालूम नहीं है ऐसा कोई लाइसेंस ही नहीं है दुनिया में। तब नहीं पता था मैडम जी, जब इस बात को गुजरे हुए 3 दिन हो गए और वो महिला पुलिसकर्मी भी दोबारा दर्शन नहीं दी, तब हमने स्थायी दुकान चलाने वाले कुछ जानकारों से ये पूछा, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई लाइसेंस ही नहीं होता। बताओ मैडम, गरीब आदमी, वो मैडम हमसे झूठ बोल के 2000 रुपए ठग ले गई। इन्हीं जैसे ठगों की वजह से हम जैसे खानदानी चोरों को मार्केट में कुछ वैल्यू नहीं बची। 2000 के लिए वेरी डाउन मार्केट ठग। हम तो कहते हैं ऐसे भ्रष्ट अफसरों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनो तुम इधर देखो। जी मैडम। पहला बात तो तुम्हें डरने और घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुमको जिसने ठगा है वो एक पुलिस अधिकारी या कर्मचारी है। तुम तुरंत हमें उस ऑफिसर का नाम बताओ, क्योंकि हम उनको सबक सिखाना चाहते हैं कि थाने का छवि बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। बताओ। जी मैडम जी, हसीना मलिक नाम है उनका। टोपा हो, पगला गए हो क्या? क्या गोलगप्पा खा खा के दिमाग गोलगप्पा हो गया तुम्हारा? किसका नाम ले रहे हो पता तुम्हें? हसीना मलिक। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उनका नाम लेने का? जानता था मैडम कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए तो मैं रिपोर्ट लिखवाने से कतरा रहा था। आदमी छोटा जरूर हूँ, लेकिन इतनी तो समझ रखता हूँ ना कि कोयले पे काला टीका लगाने का कौनो मतलब नहीं होता मैडम जी। फिर भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कम से कम एक बार इस थाने की बड़ी साहिबा से मुलाकात करवा दीजिए, क्या पता वो मेरे लिए कुछ कर पाए। अब भैया आप जानते हैं यहाँ की SHO का नाम क्या है? नहीं मैडम। SHO हसीना मलिक। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पैसे तो लेके जाए पैसे। अरे असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। धरती आसमान एक हो जाए, कोई अंगारों पर बैठकर बताए कि हसीना मैडम ऐसा कभी सोच भी सकती है तो अभी हम यकीन नहीं करेंगे। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। मासूम है ये। क्या हुआ मैडम, गाड़ी का है रोकी? लगता है आपने हमको पहचाना नहीं। हाँ नहीं पहचाना। SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना, जनपद लखनऊ। लाइसेंस दिखाइए। लगता है आपने हमको पहचाना नहीं मैडम। नहीं।
अब नहीं, अब नहीं। अरे क्या बात कर रही है मैडम, आप हमको नहीं पहचानते? अरे हम सुपरस्टार हैं बन्नी। ए लखनऊ का जो लोकल केबल है ना, उस पे हमारा टीवी सीरियल चलता है, 3.5 फेरा, सुपर डुपर हिट सीरियल है। लाइसेंस दिखाइए। मन्नू बनवारी। जी हमारा रियल नेम है। इस नाम के एक खतरनाक अपराधी की पुलिस को बड़ी तलाश है। हाँ अभी 2 दिन पहले तो सेंट्रल जेल से फरार हुआ है, कहीं तुम? अरे, तो अरे नहीं मैडम, क्या बात कर रही हैं मैडम, हम बन्नी हैं बन्नी, लखनऊ का पूरा बच्चा बच्चा पहचानता है हमको। वो तो पता चली जाएगा, चलो थाने चलो। अरे क्या कर रही हैं मैडम आप? अरे हमारा नया नया शादी हुआ है, हम हनीमून मनाने के लिए पहली बार बाहर जा रहे हैं। मैडम आप बात को समझिए, जज्बात को समझिए, कुछ तो समझिए। हसीना मलिक नाम है हमारा, हमसे ज्यादा जज्बात और कौन समझेगा? पूरे लखनऊ को मालूम है कि हमारा और जज्बातों का कितना पुराना गहरा रिश्ता है। इसी बात पे अर्ज फरमाया, कहता है फर्जी हमारा कि आपको थाने ले जाया जाए, जो है काम हमारा बस बस उसे निभाया जाए, पर वो दिल कहां से लाया जाए जो बार बार यही दोहराए कि किसी को उसके हनीमून से दूर ना किया जाए, हमसे नहीं हो पाएगा। आप रो रहे हैं, क्या करें, ये तो वो दर्द है जो तुम्हारा दर्द देखकर बस हमारी आंखों से आंसू बनकर छलक उठाए। अरे मैडम हम हनीमून के लिए जा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। और मान लीजिए कि अगर हमारा ऑपरेशन हो भी रहा है तो आप कह रोएंगी, बताइए? आपका दर्द हम समझते हैं, तभी तो ये आंसू नहीं रुकते हैं। अब कमिश्नर ही करेंगे तुम्हारा इंसाफ, चलो शराफत से थाने चलो। अरे मैडम क्या कह रही हैं आप, आपको जो चाहिए हम आपको दे देंगे, यही ले दे के निपटारा कर लेते हैं ना। अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, पर केवल जज्बात के लिए। बिल्कुल।